तो गाइस अगर मैं आपसे पूछूं कि माइनक्राफ्ट का सबसे ज्यादा रेयरेस्ट ओर कौन सा है तो आप लोग क्या कहोगे? शायद गोल्ड, डायमंड, एमरल्ड और कोई कोई तो यहाँ तक कोल भी कह सकते हैं, लेकिन माइनक्राफ्ट का सबसे ज्यादा रेयरेस्ट ओर है एंशिएंट डेब्रिस। और ये एक ऐसी जगह पे मिलता है जहाँ पे मेरे जैसे नूबड़े बंदे तो जाने की सोचेंगे भी नहीं, नेदर में। और अब सोचिए क्या हो अगर आपका पूरा वर्ल्ड ही बना हुआ है इस एंशिएंट डेब्रिस से। इसका मतलब आपके वर्ल्ड के सारे ट्रीज, वुड, स्टोन और सब कुछ बना हो एंशिएंट डेब्रिस का। ये सुनने में तो बहुत ज़्यादा इजी लगता है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि एंशिएंट डेब्रिस को आप सिर्फ डायमंड की पिकैक्स से ही तोड़ सकते हो, और यहाँ पे डायमंड तो क्या वुडन पिकैक्स मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो आज हम लोग सर्वाइव करने वाले हैं इसी एंशिएंट डेब्रिस ओनली वर्ल्ड में। सो वीडियो को अंत तक देखना जानने के लिए कि क्या हम सर्वाइव कर पाए 100 डेज इन एंशिएंट डेब्रिस ओनली वर्ल्ड इन हार्डकोर माइनक्राफ्ट। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक मजेदार इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। कल YouTube हमारे घर आया और उसने हमें कहा कि आप में से बस 11.3% ने सब्सक्राइब किया है, तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से सब्सक्राइब करो चैनल को और इस परसेंटेज को थोड़ा बढ़ा दो, और इसका लाइक हमें 3000 लाइक्स का तो प्लीज कंप्लीट करवा देना। अब चलिए इस वीडियो को जल्द करते हैं शुरू। सो डे 1 पे हम लोग स्पॉन हुए इस वर्ल्ड में, और इस वर्ल्ड के चारों तरफ बस एंशिएंट डेब्रिस से डेब्रिस था। और भाई मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था इन्फिनाइट एंशिएंट डेब्रिस देख के, लेकिन हमारे पास माइन करने के लिए था नहीं, और यहाँ पे भी कोई वुड वगैरह था नहीं कोई क्राफ्टिंग टेबल बनाने के लिए। तो हम लोगों ने सोचा कि विलेज ढूंढना परफेक्ट होगा, तो हम लोग निकल गए विलेज ढूंढने के लिए। एंड देन थोड़ी देर हम लोग एक्सप्लोर करने के बाद हमें एक विलेज मिल भी गया, और भाई ये विलेज अपने लिए एकदम परफेक्ट था, क्योंकि यहाँ पे आयरन गोलम थे, ब्लैक स्मिथ का घर था और बहुत सारे हे बेल्स भी थे। तो पहले तो मैंने बहुत सारे हे बेल्स कलेक्ट किए, क्योंकि अपने पास फूड का एकदम सोर्स नहीं था। सो सारे हेबल्स कलेक्ट करने के बाद मैं सीधा गया एक फार्मर की जगह पे, और वहाँ पे बहुत सारे कैरेट, पोटैटो और वीट सीड यहाँ पे कलेक्ट कर लिया, क्योंकि ये फ्यूचर के लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड देन सामने जाते ही मुझे कुछ और हेबल्स दिख गए, और भाई हेबल्स को कौन छोड़ता है, तो उसको भी मैंने ले लिया। एंड देन मैं हेबल्स तोड़ रहा था कि मुझे सामने देख गया एक आयरन गोलम, और उसके जस्ट पास में एक ब्लैक स्मिथ का घर। ओ भाई ये विलेज बहुत ज़्यादा ओपी था। और उसके बाद मुझे एक घर में चेस्ट भी मिल गया जिसमें कुछ डिसेंट सा सामान था, तो मैंने उसको भी कलेक्ट कर लिया। और मेरा हंगर बार भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा लो हो चुका था, तो मैंने खा लिया खाना, और भाई के पास भी कुछ नहीं था खाने के लिए, तो मैंने उसको भी खाना दे दिया। एंड देन हम चले गए इस विलेज को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करने के लिए। एंड देन थोड़ी देर बाद मैंने थोड़ा बहुत वुड काटा, क्योंकि अपने पास एकदम क्राफ्टिंग टेबल नहीं था, और इस वर्ल्ड में भाई वुड की बहुत ज़्यादा कमी थी, तो मैंने यहाँ पे सैपलिंग भी ले लिया, क्योंकि भाई सैपलिंग से हम लोग ज़्यादा ट्री और ग्रो कर सकते हैं। एंड देन थोड़ी देर मेहनत करने के बाद मुझे फाइनली यहाँ पे एक सैपलिंग भी मिल गई। देन फाइनली मैंने एक क्राफ्टिंग टेबल बनाया, और मेरे पास जितने सारे हेबल्स थे उसका मैंने खाना बना लिया। एंड देन मैंने एक वुडन पिकैक्स बना लिया, जैसे कि यहाँ पे हम लोग बहुत सारे कॉबलस्टोन माइन कर पाए। एंड देन मैं यहाँ पे अपना क्राफ्टिंग टेबल ले रहा था कि भाई ने मुझे मार दिया, भाई देख रहे हो इसलिए मैं इसको मारता हूँ। भाई मतलब हमेशा नूबड़ागिरी ये करते रहता है, लेकिन भाई जो भी हो अपना भाई है, इसलिए मैंने इसको बहुत सारा खाना दे दिया। एंड देन उसके बदले इसने मुझे बहुत सारे हेबल दे दिए, और ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात होगी, क्योंकि अपने पास अब इन्फिनाइट सोर्स ऑफ फूड है। एंड देन मुझे भाई लेके गए एक लाइब्रेरियन के घर में, जिसके पास था एक लेक्टर्न और बहुत सारे बुक शेल्फ। तो भाई यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमें बुक शेल्फ मिलने वाले हैं। एंड देन मैं चला गया ऊपर चेक करने के लिए किसके पास चेस्ट है कि नहीं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा भिखारी था और इसके पास चेस्ट ही नहीं थे, तो उसका बदले मैंने इसके पास जितना कॉबलस्टोन था सारा कलेक्ट कर लिया। एंड देन इनफ कॉबल स्टोन कलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे कुछ कॉबल स्टोन के टूल्स बना लिए। एंड देन इसके पास लेक्टन और जो बुक शेल्फ थे मैंने उसको भी कलेक्ट कर लिया, और अब रात हो रही थी तो मैं चला गया सोने के लिए। और उसके बाद मुझे याद आया कि मैंने तो भाई को कॉबल स्टोन के टूल्स देना भूल ही गया, तो मैंने उसको कॉबल स्टोन के टूल्स दे दिए। एंड देन फाइनली मैं चला गया सोने के लिए। नेक्स्ट डे की सुबह को मैं चला गया ब्लैक स्मिथ के घर में लूटने के लिए कि क्या है, और इस आयरन गोलम को भी हम लोग मारने वाले हैं। तो ब्लैक स्मिथ के चेस्ट में भी कुछ डिसेंट सा लूट था, तो मैंने उसको कलेक्ट कर लिया। एंड देन उसके पास जो फर्नेस थे मैंने उसको भी ले लिया। एंड देन फाइनली चला गया मैं उस आयरन गोलम को मारने के लिए। एंड मैं बता रहा हूँ भाई, इस आयरन गोलम को हमने बहुत ही खराबी से मारा, बेचारा एक हिट नहीं कर पाया हमें। एंड देन आयरन गोलम से जितना आयरन मिला उससे मैंने एक आयरन का पिकैक्स बना लिया, और उस आयरन का पिकैक्स मैंने एंशिएंट डेब्रिस माइन किया। नहीं मजाक कर रहा हूँ यार, आयरन का पिकैक्स थोड़ी एंशिएंट डेब्रिस माइन कर सकते हैं। उसके बाद मैंने बहुत सारे एनिमल्स को मारा। एंड देन मैं यहाँ पे थोड़ा घूम रहा था, और मुझे एक चीज़ नोटिस हुई कि भाई ये घर जो है वो कबाड़ा हो चुका, मतलब एक भी घर में वुड नहीं है। वहाँ पे देख सकते हो साइड में भी घर में, कोई घर में भी वुड नहीं था। तो हम लोगों ने सोचा कि ये कबाड़ा विलेज में हम लोग थोड़ी ना रहने वाले, तो हम लोग चले गए दूसरी विलेज की तलाश में। और भाई मेन रीज़न था अपना ऑल लूट करना, क्योंकि दूसरे विलेज में हमें ऑल लूट भी मिलने वाली थी, तो वो भी एक रीज़न था। तो हम लोग जल्दी से जल्दी निकल के दूसरे विलेज को ढूंढने के लिए। एंड देन हम लोग यहाँ पे सफर कर रहे थे कि हमें दिख गया एक रुइंड नेदर पोर्टल। और भाई रुइंड नेदर पोर्टल का मतलब यहाँ पे फ्लिंट एंड स्टील मिलने वाला है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा था। और इसके चेस्ट में बहुत सारे फ्लिंट भी थे और बहुत सारे फ्लिंट एंड स्टील, तो मैंने उसको भी जल्दी जल्दी कलेक्ट कर लिया। एंड देन यहाँ पे कुछ गोल्ड ब्लॉक भी थे, तो मैंने उसको भी कलेक्ट कर लिया। और भाई गोल्ड ब्लॉक यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है इनगट बनाने के लिए, तो मैंने उसको कलेक्ट किया। और जल्दी जल्दी हम लोग चले गए यहाँ पे विलेज ढूंढने के लिए।
एंड देन थोड़ी देर घूमने के बाद हमें फाइनली मिल गया एक विलेज, और भाई इस विलेज में भी बहुत सारे हेबल्स थे और हेबल्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने सारे हेबल्स को कलेक्ट कर लिया। देन मुझे यहाँ पे एक चेस्ट मिली, उसमें भी थोड़ी बहुत डिसेंट सी लूट थी, तो मैंने उसको भी कलेक्ट कर लिया। एंड देन हम लोग चले गए एक आयरन गोलम को मारने के लिए, और इस आयरन गोलम को मार के हमें मिल गए थे 5 आयरन। तो उसके बाद मैं चला गया एक घर को लूटने के लिए, एंड एक घर में मुझे एक चेस्ट मिला जिसमें कुछ डिसेंट सा सामान था, तो मैंने उसको भी कलेक्ट कर लिया। और एक घर में हमें कुछ लेदर के सामान मिल गए, तो मैंने उसको भी कलेक्ट कर लिया। और भाई हार्डकोर में कोई भी आर्मर चलेगा, तो मैंने उस लेदर आर्मर को ही पहन लिया और थोड़ा बहुत प्रोटेक्टेड हो गया मैं। एंड उसके बाद सामने मुझे बहुत सारे हेबेल्स दिख गए थे, तुम्हें तो पता ही है मैंने उस हेबेल्स के साथ क्या किया। एंड देन मुझे दूर में एक काउ दिखा था, तो मैंने उसको लियोर करके इस फार्म के अंदर ला दिया, क्योंकि इस फार्म में एक ही काउ था, बेचारा अकेला अकेले बोर हो रहा था। एंड देन इन दोनों की मैंने ब्रीडिंग करवा दी, उस फार्म से निकल गया। और उसके बाद हमें रुइन नेदर पोर्टल से बहुत सारे फ्लिंट मिले थे, तो मैंने उससे एक फ्लेचिंग टेबल बना दिया, जैसे कि हम लोग वहाँ पर ट्रेड कर पाए। सो मैं चला गया एक विलेजर को फ्लेचर बनाने के लिए। एंड जब मैं एक विलेजर को फ्लेचर बना रहा था, मुझे दिखा एक आयरन गोलम। अब तुम्हें तो पता है उस आयरन गोलम के साथ क्या हुआ। देन जब मैं आयरन गोलम को मार रहा था, तो भाई ने एक हॉर्स को टेम कर लिया, तो मैंने उसका हॉर्स लिया और वहाँ से भाग गया। और भाई जो मज़ा आया मुझे उसको ट्रोल करने में ना यार। सो भाई वो मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया, तो मैंने दो जल्दी से जल्दी शील्ड बनाया और उसको भी एक शील्ड दे दिया, जैसे कि उसका भी मूड अच्छा हो जाए। एंड देन मैंने भी शील्ड पहन लिया, क्योंकि भाई हार्डकोर में शील्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो उसके बाद हमें ये वाला घर बहुत ज़्यादा ओपी लग गया था, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक फार्म भी था और एक घर भी डिसेंट सा बड़ा था, तो मैंने इस घर को ले लिया इस विलेजर से पूछ के। और टेंशन मत करो, इस विलेजर को इस बार भी मैंने पैसा दे दिया है। सो उसके बाद मैंने सारे चेस्ट सेटअप किए, बहुत सारे फर्नेंसेस लगाए, जैसे यहाँ पे हम लोग अपना खाना और बाकी सामान कुक कर सके। एंड देन भी ये अपना घर रेडी था। और उसके बाद मुझे थोड़े बहुत वुड की ज़रूरत थी, तो मैं चला गया थोड़े बहुत वुड काटने के लिए। और जो मुझे वुड मिले, तो उससे मैंने थोड़े बहुत फेंसेस बना लिए, जैसे कि मैं अपना काउ फार्म को थोड़ा एक्सपैंड कर पाऊँ, क्योंकि मुझे खाने की ज़रूरत थी। और इस काउ फार्म को अगर मैं ब्रीड करवा सकूँ, तो मुझे बहुत सारे मीट मिलने वाले हैं। सो फेंस का काम कंप्लीट करने के बाद मैंने एक कारपेट बनाया, कारपेट प्लेस किया और अपने फेंस को तोड़ा, एंड इन दोनों को ब्रीडिंग करवा दिया। एंड देन अपना काउ फार्म भी रेडी था, और फ्री टाइम में मैं बस थोड़े बहुत आयरन गोलम को मारते रहता, तो मैंने वही किया। और मेरे पास थोड़े बहुत वुड थे, तो मैंने उससे बहुत सारे स्टिक बनाए और एक विलेजर से बहुत सारी एमरल्ड की ट्रेडिंग कर ली। और बहुत देर ट्रेडिंग करने के बाद और 1 करोड़ विलेजर को फ्लेचर बनाने के बाद बस अपने पास इतने सारे एमरल्ड आए, तो हम लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए। और तुम देख ही सकते हो इस विलेज में और विलेजर नहीं है, तो हम लोग चले गए नेक्स्ट विलेज की तलाश में। एंड देन थोड़ी देर के बाद हमें मिल गया एक प्लेजर आउटपोस्ट। और भाई ये हमारे साथ पहली बार हुआ है कि हमें वर्ल्ड में प्लेजर आउटपोस्ट मिला है, लेकिन भाई इस प्लेजर आउटपोस्ट में प्लेजर्स ही नहीं थे। हाँ भाई मतलब हम लोग पूरा संभल के जा रहे थे कि कोई प्लेजर अटैक ना कर दे, लेकिन यहाँ पे कोई प्लेजर ही नहीं थे, बस एक स्पाइडर था जो कि इस प्लेजर आउटपोस्ट का रक्षा कर रहा था, तो हमने उसको इजीली मार दिया। एंड देन ऊपर में बहुत सारे चेस्ट थे और उस चेस्ट में बहुत ज़्यादा ओपी लूट थी, जैसे कि कैरेट और थोड़े बहुत क्रॉसबो, तो मैंने उसको जल्दी जल्दी कलेक्ट कर लिया। एंड भाई इस प्लेजर टावर में अलग किस्म के वुड थे, तो मैंने इसको भी कलेक्ट कर लिया, अपना बिल्ड में काम आएगा। एंड देन थोड़ी देर के सफर के बाद हमें मिल गया एक विलेज, जहाँ पे हम लोग को बहुत सारे विलेजर्स मिलने वाले थे जिसको हम लोग फ्लेचर बनाने वाले थे, तो मैंने उस विलेज में जल्दी जल्दी गया और हम लोग ब्लैकस्मिथ का घर को लूटा, जिसमें हम लोग को ऑब्सीडियन मिल गया। और भाई ऑब्सीडियन बहुत ज़्यादा कीमती है हमारे लिए, क्योंकि हम लोग उससे एक नेदर पोर्टल बना सकते हैं। सो मैंने उसके बाद बहुत सारे हेबल्स कलेक्ट किए, एंड देन रात को मैं वहीं पर सो गया। और नेक्स्ट डे की सुबह को हमें एक आयरन गोलम दिख गया, लेकिन इस आयरन गोलम को हमने मारा नहीं। एंड उसके बाद भाई को मैंने आयरन की पैंट दे दी, क्योंकि उसके पास था नहीं, और भाई आयरन की पैंट लेके वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। एंड देन मैंने उसके बाद एक आयरन की बकेट बना ली, जैसे हम लोग लावा कलेक्ट कर पाए, क्योंकि अपने पास ऑक्सीजन की थोड़ी बहुत कमी थी नेदर पोर्टल बनाने के लिए, तो मैं जल्दी जल्दी ब्लैकस्मिथ के घर में गया एंड एक लावा बकेट कलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद हमने इस विलेज में थोड़ी बहुत ट्रेडिंग की और नेक्स्ट विलेज के लिए निकल गए। नेक्स्ट विलेज में हमें एक ब्लैकस्मिथ का घर मिला, और भाई उस ब्लैकस्मिथ के घर में 2 डायमंड्स थे, मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे 2 डायमंड देखने के बाद, क्योंकि हम लोग अब डायमंड पिकैक्स बना सकते थे, बस हमें और 1 डायमंड की ज़रूरत थी। तो मैंने भाई को वो डायमंड दिखाया और वो भी ये डायमंड देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। एंड उसके बाद इस विलेज में भी हम लोग थोड़े बहुत हे बेल्स कलेक्ट किए, थोड़े बहुत ट्रेडिंग किए, एंड यहाँ पे भी एक आयरन गोलम था, तो हमने उसको भी मार ही दिया। एंड हम लोग निकल गए नेक्स्ट विलेज के तलाश में, और थोड़ी देर बाद हमें और एक विलेज मिला और एक ब्लैकस्मिथ के घर में लगातार हमें 2 डायमंड और मिल गए। और इस बात तो हम लोग सच में बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि हम लोगों ने फाइनली बना दिया था एक डायमंड का पिकैक्स। तो मैंने भाई को डायमंड का पिकैक्स दिखाया एंड हम दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि अब हम लोग माइन कर सकते हैं एंशिएंट डेब्रीज। एंड अब गाइस फाइनली टाइम था माइन करने का एंशिएंट डेब्रीज, जो कि हम लोग वेट कर रहे थे इतने सारे दिनों से। तो मैं जल्दी से जल्दी गया और बहुत सारे एंशिएंट डेब्रीज माइन कर लिए।
सो गाइस फाइनल अपना यहाँ पे काम खत्म हो गया था क्योंकि हमने ट्रेडिंग भी कर ली थी, एंशिएंट डेब्रिस भी माइन कर लिया था, तो हम लोग निकल गए अपने घर के लिए। एंड देन थोड़ी देर के बाद हम लोग पहुंच गए फाइनली अपने घर। घर जाके हम लोगों ने सारे फालतू के सामान रख दिए, एंशिएंट डेब्रिस को स्मेल्ट होने के लिए दे दिया। एंड हमें जितने सारे एमरल्ड मिले थे उससे मैं जल्दी से जल्दी चला गया एक आर्मर के पास कुछ डायमंड आर्मर ट्रेड करने के लिए। एंड उसके बाद थोड़ी देर ट्रेडिंग की हमने। एंड देन फाइनली थोड़ी देर ट्रेडिंग करने के बाद वो फाइनली हमें दे रहा था बूट्स और पैंट्स डायमंड्स की, तो मैंने जल्दी जल्दी उससे ट्रेडिंग कर ली। एंड उसके बाद हमने ट्रेडिंग कंटिन्यू रखी। एंड थोड़ी देर के बाद वो हमें हेलमेट और चेस्ट प्लेट भी दे रहा था, लेकिन हमने हेलमेट ही ट्रेड की क्योंकि अपने पास एमरल्ड खत्म हो गए थे, चेस्ट प्लेट हम लोग बाद में ट्रेड कर लेंगे। उसके बाद मैंने जो एंशिएंट डेब्रिस स्मेल्ट करने के लिए लगाई थी उससे मैंने एक इनगट बना लिया। एंड देन एक स्मिथिंग टेबल बना के अपना पिकैक्स को नेदराइट पिकैक्स बना लिया। और भाई नेदराइट पिकैक्स की कुछ बात ही अलग है, तो मैं जल्दी जल्दी अपना स्मिथिंग टेबल लिया एंड बहुत सारे नेदराइट माइनिंग करना स्टार्ट कर दिया। और भाई ये नेदराइट माइन करना मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है भाई, ऑब्सीडियन से भी ज़्यादा टाइम लेता है, नहीं मजाक कर रहा हूँ। सो उसके बाद मैंने सारे अपने नेदराइट को स्मेल्ट करने के लिए दे दिया। एंड उसके बाद मैंने बहुत सारे स्टिक्स बना लिए और उसको फ्यूल भी दे दिया क्योंकि फ्यूल खत्म हो गया था। एंड देन मैंने बहुत सारे इनगट्स बना लिए और अपने टूल्स और आर्मर्स को नेदराइट का बना लिया। और गाइस यहाँ पे हमने सारे आर्मर को नेदराइट नहीं बना पाए क्योंकि अपने पास गोल्ड की थोड़ी बहुत कमी थी, तो हम लोग जाने वाले थे अब नेदर गोल्ड कलेक्ट करने के लिए। सो मैंने उसके बाद अपना भद्दा लेदर का आर्मर खोला, एंशिएंट डेब्रिस का पहन लिया। और भाई नेदराइट आर्मर मतलब आप देख सकते हो कितना ज़्यादा ओपी लग रहा है। देन नेक्स्ट डे की सुबह को हमने एक नेदर पोर्टल बनाया क्योंकि आपको पता है हमारे पास गोल्ड की कमी हो गई थी, तो हम लोग गोल्ड कनेक्ट करने जा रहे थे। देन मैंने भाई से पूछा कि क्या मैं इसको एक्टिवेट कर दूँ, तो उसने कहा हाँ। और भाई मुझे थोड़ा बहुत यहाँ पे डर लग रहा था क्योंकि ये हार्डकोर है और एक बार मरने के बाद आपको ये वर्ल्ड वापस नहीं मिल सकता, लेकिन फिर भी मैंने इसको लाइट अप कर दिया। एंड देन फाइनली हम लोग बहुत टाइम के बाद चले गए नेदर को एक्सप्लोर करने के लिए। सो थोड़ी देर बाद यहाँ पे हम लोग नेदर में स्पॉन हो गए और नेदर में स्पॉन होते ही हमें दिख गया एक रुइंड नेदर पोर्टल। और भाई हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे क्योंकि इससे हम लोग को सबसे फास्टेस्ट गोल्ड मिलने वाला था क्योंकि उसमें थे 3 गोल्ड के ब्लॉक। तो मैंने जल्दी जल्दी उसको चेस्ट को लूटा जिसमें थोड़ी बहुत डिसेंट लूट थे। एंड देन उसके बाद मैंने सारे गोल्ड के ब्लॉक को कलेक्ट कर लिया। एंड भाई जैसे कि आपको पता हम बहुत बड़े नूबड़े हैं, तो हम लोग जल्दी जल्दी उस नेदर से निकल गए। देन सारे गोल्ड मिलने के बाद मैंने बहुत सारे इनगट बनाए एंड बाकी जितने अपने पास आर्मर थे सबको नेदराइट का बना दिया। बस अपने पास अब चेस्ट प्लेट की कमी थी, लेकिन क्या हुआ ना वो विलेजर को एक जॉम्बी ने मार दिया और भाई अपने को अब फिर से ट्रेडिंग करने पड़ेगी और उसको मैक्स लेवल पहुंचाना पड़ेगा। सो हमारे पास एक आइडिया है अपना विलेज बनाने का, तो हम लोग अपना विलेज के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिए।
सो फाइनली अपना विलेज हो गया था कंप्लीट। ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं था, यहाँ पे हम लोग थोड़े बहुत और डेकोरेशन करने वाले थे, तो आपसे मिलते डेकोरेशन करने के बाद। सो गाइज वेलकम टू अवर विलेज, ये अपना विलेज और आप देख सकते हो कितना ज़्यादा ओपी। आप कमेंट डाउन करके जरूर बताना इस विलेज को आप 10 में से कितना रेट करना चाहोगे। ये पहले वाले विलेज से बहुत ज़्यादा अच्छा भी है, सुंदर भी है, और ये बहुत ज़्यादा मतलब प्रोटेक्शन भी देगा विलेजर को, क्योंकि पूरा फेंस से घिरा हुआ है, कोई विलेजर यहाँ पे मरने नहीं वाला है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सारे विलेजेस के लिए कस्टम हाउसेज है। यहाँ पे एक बुचर का हाउस है और वहाँ पे आप देख सकते हो आर्मरर का हाउस है, और यहाँ पे हमने एक आयरन गोलम भी स्पॉन करके रखा है, क्योंकि यहाँ पे कोई ज़ॉम्बी आए तो आयरन गोलम इजीली मार दे। सो उसके बाद मैं चला गया अपने घर थोड़े बहुत यहाँ पे जॉब प्रोफेशन लेने के लिए, जैसे कि हमें यहाँ पे थोड़े बहुत विलेजर को काम दे सके। तो मुझे यहाँ पे बहुत सारे एमरल्ड चाहिए थे, तो मैंने एक फ्लेचर बनाया और उसके पास बहुत सारे एमरल्ड की ट्रेडिंग कर ली। सो फाइनली बहुत सारे ट्रेडिंग करके और पिछले टाइम जो एमरल्ड हम लोग लेके आए थे वो थोड़ा बच गया था, तो उसको मिला के अपने पास थे इतने सारे एमरल्ड, तो अब हम लोग आर्मरर को मैक्स लेवल पहुंचा सकते थे। तो मैंने जल्दी जल्दी आर्मरर के साथ ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, एंड देन फाइनली वो मैक्स लेवल पहुंच गया था और हमें दे रहा था चेस्ट प्लेट। तो मैंने जल्दी जल्दी उस चेस्ट प्लेट को कलेक्ट कर लिया और अपना पूरा नेदरराइट का आर्मर अब कंप्लीट था, बस उसको थोड़ा नेदरराइट का करना बाकी था, तो वो तो ईजी हम लोग ईजिली कर लेंगे। सो उसके बाद मैं डायरेक्टली गया और बहुत सारे नेदरराइट यहाँ पे माइन करके लेके आया, एंड उसके बाद मैंने दोनों चेस्ट प्लेट को यहाँ पे बना दिया था नेदर राइट का, और हम लोग फुल्ली अब कवर थे नेदर राइट में। देन मुझे यहाँ पे इंचैंटमेंट करने के लिए थोड़े बहुत लैपिस चाहिए थे, तो मैंने जल्दी जल्दी एक विलेजर को क्लरिक बनाया, एंड उससे बहुत सारे पहले तो रेडस्टोन की ट्रेड की, जैसे उसके लैपिस की ट्रेड खुल जाए, एंड देन खुलने के बाद मैंने उससे बहुत सारे लैपिस की भी ट्रेड कर ली। एंड हमें एक जगह भी चाहिए था जहाँ पे हम अपने इंचैंटमेंट टेबल सेटअप कर पाए, तो लैपिस ट्रेड करने के बाद यहाँ पे हम अपने इंचैंटमेंट टेबल के घर के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिए। एंड देन फाइनली अपना इंचैंटमेंट टेबल हाउस हो गया था कंप्लीट, और यहाँ पे मैंने अपना इंचैंटमेंट टेबल भी सेटअप कर दिया, जैसे कि हम लोग यहाँ पे बहुत सारे इंचैंटमेंट कर पाए। सो उसके बाद मैंने अपना इंचैंटमेंट टेबल प्लेस कर दिया और हम लोग इंचैंटमेंट कर सकते हैं अब इजीली। सो उसके बाद हमने बहुत सारे ग्राइंडिंग की, बहुत सारी इंचैंटमेंट की, जैसे कि हमें बहुत अच्छे अच्छे इंचैंटमेंट मिल सकते हैं, और आप देख सकते हो यहाँ पे अपने पास कितने अच्छे अच्छे इंचैंटमेंट है। पूरा आर्मर इंचैंट हो गया और भाई का इंचैंटमेंट तो इससे भी ज़्यादा अच्छा है। सो उसके बाद हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए, क्योंकि अपने पास था फुल्ली इंचैंटेड नेदरराइट आर्मर, और आप भाई देख सकते हो ये मेरा भाई का इंचैंटमेंट है, मतलब कितना ज़्यादा मेरे से तो कितना ज़्यादा ओपी है उसके इंचैंटमेंट यार। अब बस हमें चाहिए था वो था एक मेंडिंग का बुक, जैसे कि हम लोग यहाँ पे अपने आर्मर पे मेंडिंग लगा सके। तो मैं जल्दी जल्दी एक लाइब्रेरियन को मेंडिंग बनाने में लग गया, और भाई आपको तो पता है कि मेंडिंग मतलब पाना कितना ज़्यादा मुश्किल है, तो मैंने इस पर बहुत सारी टाइम वेस्ट किया, एंड देन थोड़ी देर के बाद हमें वो विलेजर मेंडिंग दे ही रहा था। सो मेंडिंग मिलने के बाद हम लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, क्योंकि अब हम लोग का आर्मर कभी भी नहीं टूटने वाला था। तो मैंने जल्दी जल्दी गया और बहुत सारे एमलेट कलेक्ट किए, जैसे कि हम इसका लॉक कर सके ट्रेड, एंड फाइनली एक मेंडिंग का बुक जो है वो मैंने ट्रेड कर लिया। एंड अब फाइनली टाइम था अपना घर बनाने का, जैसे कि हम लोग ओपी यहाँ पे घर में रह सके, तो हम लोग अपना घर बनाना स्टार्ट कर दिए। लेकिन उससे पहले आप एक चीज़ देख लो, यहाँ पे हमने क्या किया कि बहुत सारे वुड चाहिए थे अपने घर के लिए, तो मैंने यहाँ पे बहुत बड़ा एक ट्री ग्रो कर दिया, मतलब हर एक ब्लॉक पे मैंने यहाँ पे सैपलिंग प्लेस कर दिए थे, और आप देख सकते हो ये रिजल्ट, मतलब कितना बड़ा यहाँ पे ट्री है यार, इतने सारे वुड मिलने वाले, लाइफ में कभी वुड की जरूरत नहीं पड़ने वाली। एंड देन अपना घर बनाना हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया।
सो फाइनली अपना घर बन के हो चुका था रेडी। और अब देख सकते हो कितना ज़्यादा ओपी घर है, मतलब ये घर बनाने में हमें लिटरली बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। अब कमेंट डाउन करके ज़रूर बताना आप इस घर को 10 में से कितना रेट करना चाहोगे। वैसे मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, चलिए मैं आपको थोड़ा सामने से दिखाता हूँ। सो ये अपना घर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे में भी फ्लोर है और ऊपर में भी फ्लोर है। और ये अपना बैल्कनी, यहाँ से हम लोग अपना विलेज को देख सकते हैं और विलेजर्स पे नज़र रख सकते हैं वो क्या कर रहे हैं। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा व्यू आता है, तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पे नीचे वाला रूम, यहाँ पे अपना चेस्ट रूम है जहाँ पे हम अपना सारा सामान स्टोर करते हैं। एंड एग्जैक्ट चेस्ट रूम के जस्ट पास ही में हम लोग का एक डिस्कसिंग रूम जहाँ पे हम लोग अपना डिस्कस करते हैं। तो उसके बाद मैंने और भाई ने थोड़े बहुत यहाँ पे डिस्कशन किए कि आगे में और क्या करना है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर में भी एक रूम है जहाँ पे हम लोग यहाँ पे रात को सो सकते हैं अगर हमें गर्मी लगी तो। मतलब मजाक कर रहा हूँ यार, सीरियसली मत ले लेना। सो फाइनली ऐसे करके अपने 50 डेज हो गए थे इस वर्ल्ड में कंप्लीट। हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया इस वर्ल्ड को खेलने में। अगर आपको देखने में मज़ा आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। और आप ये वीडियोज़ भी देख सकते हो, ये वीडियोज़ भी बहुत ज़्यादा ओपी है।